जी दोस्तों, अब मैं भावलपुर से 8-9 किलोमीटर दूर आ चुका हूं। आज का जो हमारा व्लॉग है, ये बेसिकली पाकिस्तान के साबिक सदर जनरल ज़ियाउल हक के बारे में है। उनकी बायोग्राफी है, मुकम्मल डॉक्यूमेंट्री। वो कहां पैदा हुए, कहां उन्होंने परवरिश पाई, कहां उन्होंने तालीम हासिल की, आर्मी में कैसे आए, कब आए, किस सन में आए। आज के ये जो इंटरेस्टिंग वीडियो है या व्लॉग है या डॉक्यूमेंट्री है, ये बहुत ज़बरदस्त है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मैं हूं आपका अपना शफी गुल बहावलपुरी। दोस्तों, मैं आपको जनरल ज़ियाउल हक की जो कब्र मुबारक है वो भी दिखाऊँगा, जो उनकी आखिरी आरामगाह है। ये बस्ती लाल कमाल है और यहाँ पर उनका जो जिस तैयारे में वो भावलपुर से सवार हुए थे इस्लामाबाद जाने के लिए, तो वो तैयारा यहाँ दरिया के साथ बस्ती लाल कमाल में 17 अगस्त 1988 को यहाँ गिरकर तबाह हो गया था। और उस तैयारे में जितने भी मुसाफिर थे सारे इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। उन्होंने शहादत का दर्जा पाया था। दोस्तों, मैं उनकी आपको कब्र दिखाता हूँ और उनके बारे में मुकम्मल हिस्ट्री ज़ियाउल हक साहब के बारे में मैं भी बताता हूँ। ये देखें जी, ये यादगार बनाई गई है और जनरल ज़ियाउल हक की, और जहाँ पर जनरल अख्तर अब्दुलरहमान भी इसमें शहीद हुए थे 17 अगस्त 1988 को। यहाँ पे C-130 उसमें प्लेन में वो जा रहे थे इस्लामाबाद। बहावलपुर से 5 मिनट की मुसाफत के बाद, 5 मिनट के ट्रैवल के बाद, वो जो उनका प्लेन था यहाँ पर क्रैश हो गया था। और वो उस प्लेन में जितने भी पैसेंजर्स थे वो इस जगह पे जो प्लेन क्रैश हुआ था इस एरिया में, तो वो यहाँ पर उन्होंने शहादत, जाम शहादत नोश किया था। ये आप देख सकते हैं, ये यादगार बनी हुई है। और ये 1988 में ये किसी ने, जो सदर हैं यूथ विंग के, उन्होंने ये यादगार के तौर पर ज़ियाउल हक साहब की इस तरह ये बनवाई है। ये कब्र नहीं है, जस्ट इनका जो है एक यादगार है, जहाँ पर ये शोहदाए कराम का जो प्लेन था C-130 यहाँ पे तबाह हुआ था। जी दोस्तों, ये है बस्ती लाल कमाल और ये दरिया का एरिया कहलाता है। और यहाँ पर जनरल ज़ियाउल हक साहब का 17 अगस्त 1988 को 3:51 पर यहाँ पर जहाज़ क्रैश हुआ था C-130, और जिसमें जितने भी आर्मी के आला अहदेदारान सवार थे सारे
शहादत का जाम पाकर इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए थे। दोस्तों, ज़ियाउल हक 12 अगस्त 1924 को पंजाबी फैमिली में ब्रिटिश इंडिया के सूबा पंजाब के शहर जलंधर में पैदा हुए और मोहम्मद अकबर उनके वालिद का नाम था, जो आर्मी GHQ इंडिया में स्टाफ क्लर्क थे। उन्होंने इब्तदाई तालीम शिमला में मुकम्मल की, फिर सेंट स्टेफन कॉलेज की यूनिवर्सिटी दिल्ली से BA की डिग्री हिस्ट्री में मुकम्मल की और 1943 में आला नंबरों के साथ BA किया। उन्होंने 1950 में शफीक जहां से शादी की, जो 6 जनवरी 1996 को इस दुनिया से वफात पा गईं। यानी कि ज़ियाउल हक साहब की वफात के बाद 8 साल बाद उनकी जो मिसेस थी शफीक जहां, वो इस दुनिया से रुखसत कर गई थी। मिलिट्री, ज़ियाउल हक ने ब्रिटिश इंडियन आर्मी में कैवेलरी में 12 मई 1943 को BA ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल महाओ में ट्रेनिंग शुरू कर दी। 1947 में पाकिस्तान हिंदुस्तान की तकसीम के बाद ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान आर्मी बतौर कैप्टन कैवेलरी फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट ज्वाइन कर ली। दोस्तों, मैं आज आपको ज़िया साहब के बारे में मुकम्मल डिटेल बताने वाला हूं। मेरे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को देखते रहें। और ये वो जगह है जहां उनका प्लेन क्रैश हुआ था। ये शहदाई बहावलपुर की यादगार बनी हुई है। उन्होंने डायरेक्टिंग स्टाफ क्वेटा में फिर चार संभाल लिया, यानी कि पाकिस्तान में जब वो आए थे तो बतौर कैप्टन कैवेलरी फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट ज्वाइन की थी। उन्होंने डायरेक्टिंग स्टाफ क्वेटा में चार संभाल लिया। उसके बाद फिर उनको 1975 में बतौर लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ स्ट्राइक कार्प मुल्तान तरक्की दे दी गई। मिलिट्री प्रमोशंस उनकी हैं, 1 मार्च 1976 को वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जनरल ज़ियाउल हक, जिनको 3 स्टार लगे हुए थे, उन्होंने तरक्की देकर 4 स्टार रैंक से नवाज दिया। ज़ियाउल हक ने कभी भी भुट्टो साहब को मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नहीं बुलाया, जब भी बुलाया सर कह कर बुलाया। इस दौरान भुट्टो साहब अवामी तनकीद का शिकार होते गए और हालात उनके लिए ज़्यादा ख़राब होते गए। उनकी पॉपुलैरिटी अवाम में कम होना शुरू हो गई। 8 जनवरी 1977, सारी सियासी जमातों ने बगावत करते हुए PNA पार्टी पाकिस्तान नेशनल अलायंस जमात बना ली। दोस्तों, आज के ये जो वीडियो है वो सिर्फ मैं यहाँ लाल कमाल में आया हूँ ये दिखाने के लिए कि यहाँ पर यादगार बनी हुई है जनरल ज़ियाउल हक की, तो उसको हम यहाँ पे दिखा रहे हैं जी। दोस्तों, उसके बाद भुट्टो ने इलेक्शन कराने का ऐलान कर दिया और PNA ने उसमें भरपूर शिरकत की और शिकस्त खाई उसमें। फिर रिज़ल्ट तस्लीम ना करते हुए धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। 21 अप्रैल 1977 भुट्टो ने मार्शल ला पाकिस्तान के बड़े शहरों में लगा दिया। भुट्टो ज़ियाउल हक को कॉल करते रहे मगर तमाम टेलीफोन लाइंस को काट दिया गया। जब रबता हुआ तो ज़िया साहब ने कहा, सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकता, अमरीकी गवर्नमेंट ने ज़िया साहब को एडमिनिस्ट्रेटर डिक्लेयर कर दिया। ज़िया साहब PTV पर खिताब करते हुए नज़र आए और 90 दिन में इलेक्शन कराने की दोबारा यकीन दहानी कराई। मार्शल्ला एडमिनिस्ट्रेटर 5 जुलाई 1977 को वज़ीर आज़म भुट्टो को कैद करने के बाद ज़ियाउल हक ने मार्शल्ला का ऐलान कर दिया और वो ख़ुद चीफ मार्शल्ला एडमिनिस्ट्रेटर बन गए और 16 सितंबर 1978 तक कायम रहे। ज़िया साहब ने तमाम जमातों को मज़हबी आज़ादी दे दी, ये उनकी पॉलिसियों में एक पॉलिसी थी। ज़िया साहब ने तमाम जो मज़हबी जमातें थीं उनको आज़ादी दे दी और मुल्क में निज़ाम मुस्तफ़ा के कानून के निफाज का ऐलान कर दिया और बड़े बड़े उलमाए कराम को इस तरफ रागिब किया। ज़ियाउल हक ने भुट्टो के काफ़ी कवानीन को तब्दील किया और USA, जापान, वेस्टर्न वर्ल्ड, सोवियत यूनियन, अफगान रशिया जंग में अहम किरदार अदा करते रहे। अब उनकी डेथ, ज़ियाउल हक 17 अगस्त 1988 को बहावलपुर के करीब सतलुज दरिया के करीब बस्ती लाल कमाल में जहाज़ तबाह होने में शहीद हो गए। वो C-130B हरकुलिस एयरक्राफ्ट में सवार थे।
वो बहावलपुर से इस्लामाबाद जा रहे थे, मगर बहावलपुर से 3:51 पर उनके तैयारे को आग लग गई। यानी कि वो तैयारा वहाँ से 10 मिनट ही उसने या 5 मिनट ट्रैवल किया था, तो 3:51 पर उस तैयारे को आग लग गई और पूरा जहाज़ तबाह हो गया। जी दोस्तों, ये था हमारा आज का ये डॉक्यूमेंट्री व्लॉग, जिसमें मैंने आपको सदर ज़ियाउल हक साहब के बारे में बताया कि वो बहावलपुर से यहाँ पर आए बस्ती लाल कमाल में, और यहाँ पर उनका प्लेन क्रैश हुआ और उस जहाज़ में जितने भी आर्मी हाई कमांड ऑफिसर्स थे सारे इसमें शहीद हो गए। और ये बस्ती जो है, जो ये जो इलाका है ये लाल कमाल कहलाता है, ये दरिया के साथ है बिल्कुल, और यहाँ पर इन्होंने यादगार बनाई है और जहाँ पे इनका जहाज़ क्रैश हुआ था। अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए और उनके लवाहिकीन जो हैं उनको भी अल्लाह ताला लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। और ये था हमारा आज का व्लॉग, और आप देख सकते हैं कि इस इलाके में अभी तक उस जगह पे जहाँ प्लेन क्रैश हुआ था वहाँ पर अभी तक कोई आबादी नहीं है और कोई मकान भी नहीं है, यहाँ पे वो जहाज़ गिरा था। दोस्तों मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक इजाज़त शफीक गुल को, अल्लाह हाफिज़।